दोस्तों बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 जिस तरह से ये सीजन फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, घर के अंदर काफ़ी सारे जो है एक के बाद एक लड़ाई झगड़े, कॉन्स्पिरेसी, एक दूसरे के खिलाफ साजिश, सारी चीज़ें मसाला खुल के बाहर आ रहा है। हालांकि शुरुआत में ऐसा होता तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन धीरे धीरे जैसे सीज़न अपने ख़त्म होने की कगार पे है, उसी तरह से घर के अंदर का माहौल भी गर्म हो चुका है। जिस तरह हमने कल के एपिसोड में देखा, काफ़ी सारे नए ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए, डबल एविक्शन हो गई, जहाँ पे अदनान शेख और जो सना सुल्तान है, हमने आपको बताया, जैसे कल ही बता दिया था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन हाँ कल दोनों ऑफिशियली घर से बेघर हो गए। टास्क दिया गया था बिग बॉस द्वारा, जिसमें कि टाइमर था, जिसका टाइमर जो है वो मैच नहीं करेगा, ये दिए हुए जो टाइम स्लॉट है उसके आगे पीछे नहीं रहेगा, तो उसको घर से बेघर होना पड़ेगा। और ये टास्क जो है वो जोड़ी में दिया गया था, जिस टास्क को जीता था रणवीर शोरे, शिवानी और साई केतन ने, वहीं सबसे खराब परफॉर्म करने वाली टीम थी सना सुल्तान। और वाइल्ड कार्ड एंट्री, जो कि पहली बार लाइफ में ऐसा हो रहा है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री आते ही ओटीटी में घर से बेघर हो गया, तो वो अदनान शेख थे, जो कि टीम फैजू के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थे, 007 का एक परचम लहराने आए थे, लेकिन 6 दिन में ही घर से बाहर हो गए। और दीपक चौरसिया को मिला के 1 हफ्ते के अंदर ही ट्रिपल एविक्शन हो गया, जो कि बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ा झटका था। वहीं अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में जो होने वाला है वो दिखने वाली है सबसे बड़ी कैट फाइट। जी हाँ, कृतिका मलिक की मैं बात कर रहा हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ शिवानी कुमारी और कृतिका मलिक की। एक हालांकि थोड़ा सा प्रोमो दिखाया गया, उसमें दोनों की एक बहुत गंदी झड़प दिखाई दी है, जहाँ एक तरफ शिवानी के हाथ में चाकू होता है, वो सब्जी कुछ किचन में एक्चुअली लड़ाई होती है, तो एक तरफ चाकू होता है, दोनों एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए भी वीडियो में जो है आप उनको देख भी पा रहे होंगे, फोटो जिस तरह से आप सामने स्क्रीन पे, तो दोनों आपस में भिड़ती हुई नज़र आ रही है। अब आज के जो टास्क में ये डिसाइड होने वाला है कि घर का कप्तान कौन होगा, घर की बागदौड़ यानी हाउस ऑफ कैप्टन किसको बनाया जाएगा, तो उसी को लेके एक टास्क है, जहाँ पे आपस में गर्मा गर्मी हो जाती है कृतिका मलिक और शिवानी के बीच में। अब ये ननद भाभी की जोड़ी यहाँ, क्योंकि जहाँ शिवानी को अपनी छोटी बहन मानती थी कृतिका मलिक और वो उनको भाभी भाभी बोलती थी, अब ये देखना होगा कि ये दोनों की जो आपसी रंजिश है वो क्या एक नई फाइट को ये जो है एक नाम देगी, या फिर दोनों की बातचीत खत्म हो जाएगी, या कितना एग्रेशन निकल के सामने आएगा, क्योंकि अभी तक दो लड़कियों की लड़ाई तो कभी नहीं हुई थी इस घर में, तो पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। बाकी अगर आज के टास्क की बात की जाए तो आज टास्क होने वाला है घर के कप्तान की बागडोर संभालने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट रणवीर शोरे हैं नया बाहर वाला, क्योंकि कल सना मकबूल को और रणवीर शोरे को घर बाहर वाला बनाया गया था, और बाहर वाला बनने की सबसे इंपॉर्टेंट शर्त होती है, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि आपको किसी को भी बताना नहीं होता और ना ही किसी को हिंट देना होता है कि आप बाहर वाला हैं, और इसका दंड भुगतान करना पड़ रहा है पूरे घर को सना मकबूल की वजह से, क्योंकि सना मकबूल और रणवीर शोरे को बनाया गया था बाहर वाला, और सना मकबूल ने इशारे में विशाल पांडे को बता दिया कि मैं बाहर वाली हूँ, जिसके कारण बिग बॉस ने दंड स्वरूप उनके घर की जो गैस पाइपलाइन थी, गैस की सप्लाई थी, वो पूरी ख़त्म कर दी है। अब घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि घर के अंदर गैस की सप्लाई नहीं आ रही, खाना नहीं पका पा रहे, और जो घर का पका हुआ खाना था वो भी बिग बॉस ने बाहर छीन लिया है, तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो चुके हैं। लेकिन आपको इनसाइड खबरी अब हैं, हम बिग बॉस की सारी डिटेल रखते हैं, तो गैस की सप्लाई दोस्तों वापस आ चुकी है, तो ये इनसाइड डिटेल मैंने आपको बता दी है। बाकी आज घर का नया कप्तान कौन बनेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो रही है, और सोशल मीडिया पे ऐसी चर्चाएं, ट्विटर पे ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि लवकेश कटारिया शायद घर के नए कप्तान हो सकते हैं। बाकी आप देखते हैं कि टास्क में कौन जीता है, और आज घर की बागडोड़ किसके हाथ में आती है, और फिनाले तक अभी जो अगले वो टास्क क्योंकि होने वाले हैं, अब 30 दिन से भी ज़्यादा हो चुका है, सिर्फ 10-15 दिन का और खेल रह गया है, अब इस खेल को कौन जीत के जाएगा, ट्रॉफी किसके हाथ में आएगी या किसके घर जाएगी, वो तो देखने वाली बात होगी। बाकी लवकेश कटारिया को कहीं ना कहीं अल्पेश यादव बाहर से लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, विशाल को विशालियंस बाहर से लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये सीज़न जो कि झकास सीज़न है, जिसमें कि होस्ट भी चेंज हुआ है, तो अब ये देखना होगा कि पिछली बार का वाइल्ड कार्ड का दोस्त ये शो जीतेगा, या फिर यहाँ भी एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी ऐसी बिग बॉस से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।